भारत की विदेश नीति में पहले सोवियत यूनियन की काफी तवज्जो रही और जब सोवियत यूनियन बिखरा तो रूस की भी अहमियत उसी तरह से कायम रही। शीत युद्ध के वक्त जब दुनिया सोवियत यूनियन और अमेरिका के नेतृत्व में दो खेमों में बंटी थी तब भी भारत गुटनिरपेक्ष में होने के बावजूद वैचारिक रूप से सोवियत यूनियन के ही करीब था। इसी महीने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों का युद्ध हुआ था। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में उपजे मानवीय संकट के कारण हुआ था। इस युद्ध के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। इससे पहले भारत पूरी दुनिया को पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के आधिपत्य को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बिना कोई राजनीतिक समाधान के उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तब सोवियत यूनियन एकमात्र देश था जिसने भारत की सुनी। 1971 के अगस्त महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत सोवियत यूनियन ने भारत को आश्वस्त किया कि युद्ध की स्थिति में वो राजनयिक और हथियार दोनों से समर्थन देगा। मॉस्को भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार रहा है। दूसरी तरफ अमरीका भारत की तुलना में पाकिस्तान को तवज्जो देता रहा है। पूर्वी पाकिस्तान में जब संकट पैदा हुआ तो अमरीका ने इसकी उपेक्षा की थी। तब अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर चीन से रिश्ते आगे बढ़ाने में पाकिस्तान को अहम पार्टनर के तौर पर देखते थे। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती की शुरुआत का साल 1971 नहीं था बल्कि नेहरू के काल में भी सोवियत यूनियन भारत के विकास के कई मोर्चों पर मदद कर रहा था। हाल के दिनों में एक बार फिर से रूस और भारत के रिश्तों में इस हद तक गर्मजोशी आई है कि अमरीका तक की मोदी सरकार ने उपेक्षा कर दी। इसी महीने 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। पुतिन की विदेश नीति पर नजर रखने वालों ने इसे काफी अहमियत दी। इस साल पुतिन ने केवल 2 विदेशी दौरे किए हैं, एक भारत गए और इससे पहले जून महीने में जिनेवा में अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक की थी। पुतिन G20 और COP26 की बैठक में भी नहीं गए थे और कोविड के कारण चीन का दौरा भी टाल दिया था, लेकिन उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि पुतिन का यह दौरा पारंपरिक रूप से रूस और भारत के रिश्तों में रही गर्मजोशी के प्रतीक से आगे का है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं। भारत ने भी अमरीकी दबाव को नकारते हुए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। दूसरी तरफ अमरीका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के सौदे को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। अक्टूबर में भारत के दौरे पर पहुंची अमरीका की उप विदेश मंत्री वेंडी सरमन ने रूस के साथ इस सौदे को खतरनाक बताया था। 2016 में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के हस्तक्षेप के मामले में उसे सजा देने के लिए 2017 में काउंटरिंग अमरीकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट पास किया गया था। इसके तहत जो भी देश रूस से सैन्य उपकरण खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की और S-400 का सौदा मुकाम तक पहुंचाया। भारत के इस रुख की रूस की तरफ से जमकर तारीफ हुई। कहा गया कि भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र की तरफ से फैसला किया है। मोदी दुनिया के उन 4 विदेशी नेताओं में शामिल है जिन रूस ने शीर्ष के सेंट एंड्रू अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल के दिनों में अमेरिका को लेकर भारत का भरोसा कम हुआ है। अमेरिका ने जिस तरह अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया उस प्रक्रिया में भारत को बिल्कुल अलग थलग रखा गया। अफगानिस्तान में भारत का पूरा निवेश दांव पर लगा है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑक्स रक्षा समझौता किया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन देने की बात है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सबमरीन का जो सौदा किया था उसे रद्द कर दिया। फ्रांस ने इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि उसकी पीठ में छुरा भोंका गया है। ऐसे में एक संदेश यह भी गया कि अमेरिका जब नेटो सदस्य फ्रांस के साथ ऐसा कर सकता है तो भारत क्या है। भारत रूस की कीमत पर अमेरिका से संबंधों को गहरा नहीं कर सकता। भारत मल्टी इंगेजमेंट पॉलिसी के आधार पर आगे बढ़ रहा है। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है। आज की दुनिया में अलायंस वाली विदेश नीति नहीं चलेगी। मुद्दा आधारित सहयोग ही आगे बढ़ सकता है। भारत रूस के जरिए मध्य एशिया में पहुंच सकता है। भारत के लिए ईरान भी जरूरी देश है। पाकिस्तान को बाईपास कर चाबहार के जरिए मध्य एशिया में पहुंचना है तो ईरान ही काम आएगा। ईरान भारत के साथ अमरीका प्रस्थ होने से नहीं आ सकता है। इसके लिए भी रूस कहीं ना कहीं जरूरी है। रूस अगर चाह जाए कि भारत को मध्य एशिया में कदम नहीं रखने देना है तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। रूस से भारत की न केवल सैन्य जरूरतें पूरी हो रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मदद मिलती है।
अमेरिका की तुलना में रूस भारत के लिए अजमाया हुआ देश है। पिछले महीने 25 नवंबर को रूस इंडिया चाइना यानी आरईसी की 18वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इसी बैठक में भारत ने बीजिंग विंटर ओलंपिक को समर्थन दिया था। चीन अगले साल 4 मार्च से 13 मार्च तक विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने चीन में विंटर ओलंपिक का राजनीतिक तौर पर बहिष्कार किया है। यानी ये चारों देश विंटर ओलंपिक में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगे। क्वाड गुट में भारत एकमात्र देश है जिसने विंटर ओलंपिक में चीन को समर्थन देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि भारत ने रूस के कारण चीन को यह समर्थन दिया है। दरअसल भारत किसी देश के आंतरिक मामले को लेकर इस तरह का फैसला नहीं करता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस तरह के मानवाधिकारों के सवाल तो भारत के भीतर भी उठ रहे हैं। ऐसे में भारत के बहिष्कार करने से कुछ भी हासिल नहीं होना था। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया, लेकिन भारत ने इसका विरोध नहीं किया। 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने सैन्य समझौतों समेत कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अभी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के कुछ ही हफ्ते हुए हैं और दोनों देशों ने मध्य एशिया में रक्षा सहयोग के लिए एक समझौते पर सहमति बनाई है। इस समझौते के दस्तावेज में दोनों देशों ने सोवियत यूनियन के हिस्से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में संयुक्त रूप से रक्षा उपकरणों के उत्पादन के अलावा सैन्य अभ्यास की बात भी शामिल है। मंगलवार को पुतिन ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि रूस और भारत एक साथ तालिबान शासित अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान पर नजर रखी जा सके। अफगानिस्तान से लगे मध्य एशियाई देशों में रूस और भारत के बीच इस सहयोग को लेकर हैरानी भी जताई जा रही है। कुछ महीने पहले ही अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण को लेकर जो बात चल रही थी उसमें रूस ने चीन, अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान को रखा था, मगर इसमें भारत को नहीं बुलाया गया था। तब माना गया था कि रूस अमेरिका से भारत की बढ़ती करीबी से चिंतित है। रूस क्वाड को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका था। अब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की दस्तक, मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव और इस इलाके में अमेरिका की भूमिका से चिंतित दोनों देश साथ आए हैं। रूस तालिबान के आने के बाद से मध्य एशिया में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के मजबूत होने को लेकर आशंकित है, जबकि भारत का अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश है। इसके साथ ही भारत कश्मीर में चरमपंथ को लेकर भी चिंतित है। कहा जा रहा है कि भारत ने 5 मध्य एशियाई देशों को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। बिना रूस के इन 5 देशों की भारत से करीबी संभव नहीं है। रूस को भी लगने लगा है कि तालिबान की सरकार समावेशी नहीं हो सकती है। ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर वो दोबारा सोच रहा है। पाकिस्तान इस तालिबान को अलग बता रहा था, लेकिन यह सच नहीं निकला है। भारत के लिए रूस एक अजमाया हुआ पार्टनर है। अगर अमेरिका भारत की कनपट्टी पर बंदूक रखकर भी कहे कि रूस से अलग हो जाओ तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। पिछले साल चीन के साथ भी जब सरहद पर संघर्ष हुआ तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस गए थे। रूस अगर चाहता तो हथियारों की आपूर्ति बंद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रूस अमेरिका के खिलाफ भले ही चीन के साथ है, लेकिन भारत के खिलाफ चीन के साथ नहीं है। कौन किसके साथ है यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी नहीं होता है। कौन किस पर भरोसा करता है यह भी कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा यह है कि किसका किससे हित सद रहा है। एक वक्त था जब शीत युद्ध के दौरान चीन अमेरिका के करीब रहा था और अब चीन रूस दोनों साथ हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रों के हाथों में है, जबकि भारत और रूस के आर्थिक समझौते अब भी सरकारों के स्तर पर ही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।